कि क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर को निकालने का तरीका क्या होने वाला है समझिएगा जरा। सबसे पहला काम अरेंज कर देना है, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ जाना है, लास्ट में कांस्टेंट रखना है। यहां पे आपको ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 23x² 142x एंड माइनस 120। क्यूबिक इक्वेशन का बिल्कुल स्टेप है बेटा, स्टेप्स थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ी कहीं नहीं होगी। करना क्या है, सबसे पहला बिल्कुल देखो मैथ्स में स्टेप है, बस स्टेप बाय स्टेप चलो। अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद सीधा आ जाएंगे आप इसके कांस्टेंट पे। इसका कांस्टेंट है बेटा ये माइनस का 120। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम ना माइनस 120 के फैक्टर्स लिखें कि माइनस 120 किन से डिवाइड हो सकता है। बिल्कुल छोटे से फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन क्यों भाई, दोनों से होगा, वन प्लस से भी होगा माइनस से भी होगा, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव, है ना, प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन, आगे भी जाएगा लेकिन फिलहाल यहीं पे रुक जाना है। ठीक है, हाय रोहन, यस, हाँ सबसे पहले हमने फैक्टर्स बना लिए। अब आप बोलोगे भैया कितने फैक्टर बनाने, देखो ज़्यादा फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू में ही आपका काम हो जाएगा। हमने इतने फैक्टर लिख दिए, फैक्टर लिख दिए ना तीन चार, अब क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं पी एक्स। ठीक है, पी एक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, अगर ये वाई का होता तो इसे वाई लिखते, पी स्टैंड फॉर द पॉलिनोमियल। कई बार आप पी देखोगे, कई बार आप एफ देखोगे, कई बार आप जी देखोगे, है ना, ये सारी चीज़ें। चलिए नाउ, अब जो हमने यहाँ फैक्टर बनाया है बच्चे, इन फैक्टर्स को ना एक एक करके इसमें पुट करो। देखो अभी मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले में कि अगर जितनी डिग्री होती है उसके उतने फैक्टर होते हैं, यहाँ पे डिग्री तीन है तो यानी इसके तीन टुकड़े बनेंगे, इसके तीन फैक्टर बनेंगे। पहला फैक्टर हमें कैसे मिलेगा, हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू को पुट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले एक्स को पुट करेंगे वन इस पूरे इक्वेशन में। ठीक है भाई, पुट करेंगे, चलिए बताइए जरा, जहां जहां वन है वहां, जहां जहां एक्स है सॉरी, वहां वहां हमने वन पुट कर लिया। ठीक है, लेट्स सी, पुट करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू कितनी आती है, क्या आएगी वैल्यू, माइनस सॉरी 140 माइनस 120। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 143 माइनस का 143। चलो भाई देखो कितना आसान हो गया, पहले ही में जीरो आ गया, यानी कि वैल्यू को पुट करना है, हमने वन पुट किया जीरो आ गया। अगर जीरो नहीं आएगा बेटा तो फिर हम माइनस वन पुट करेंगे, उस पर भी जीरो नहीं आया तो फिर हम टू पे चले जाएंगे, और दोनों प्लस टू माइनस टू तब तक पुट करेंगे जब तक कि किसी पे जीरो नहीं आ जाता। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पुट करने की जरूरत पड़ेगी, शुरुआत के ही दो तीन में, दो से तीन में आपका आ ही जाएगा। यहाँ पे देखो पहले में ही आ गया, यानी क्या आया, एक्स की वैल्यू वन पे ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो गया। इट मीन इसके जो हमारा पहला फैक्टर है बेटा वो है एक्स इक्वल टू वन, यानी अब एक्स इक्वल टू वन का मतलब क्या, पूरा फैक्टर बनाने के लिए वन को ले आइए इस साइड, एक्स माइनस वन, ये बन गया हमारा पहला फैक्टर। लीजिए भाई पहला फैक्टर मिल चुका है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग क्लैपिंग। अब ढूंढते हैं बेटा हम दूसरा फैक्टर, चलिए थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, जगह कम बचेगी। ये बेटा ध्यान से कर लीजिए, क्यूब वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है सवाल, और आपको लिख के दे देता हूँ मैं, आपका जो भी पहला यूटी होगा उसमें आपके टीचर्स मैम क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर जरूर देने वाले हैं, और इसका वेटेज भी अच्छा हो। अब जो पहला फैक्टर मिला बेटा आपको एक्स माइनस वन, उस एक्स माइनस वन से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लो, बाकी दोनों फैक्टर आपको वैसे ही मिलेंगे। डिवाइड करते वक्त भी ध्यान रखना है, सबको अरेंज करना है। क्वेश्चन का सवाल 200%, चलो डिवाइड करते हैं भाई, डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना है, डिवाइड करते वक्त फंडा बहुत सिंपल है, क्या करना है भाई, हाईएस्ट पावर से जाना है और उसको हटाते हुए चलना है। तो पहले यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जिसका आ जाएगा वो बता दे कमेंट सेक्शन में, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, ठीक है ये कैंसिल, माइनस 23 प्लस दिस, दिस इज माइनस 22 एक्स स्क्वायर, प्लस 142x और माइनस 120। अब इसको हटाना है, माइनस 22
एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स प्लस माइनस, कैंसिल आउट, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 120x माइनस 120, और हमें फाइनली मिल चुका है हमारे पास रिमाइंडर जीरो ही आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ना x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है यानी वो पूरा डिवाइड ही होगा। अब आप बोलोगे भैया बाकी दोनों फैक्टर तो आए नहीं, बेटा बाकी दोनों फैक्टर मिलेंगे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर दो। अभी आप 9th क्लास में हो तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पता है, लेकिन जैसे ही आप 10th क्लास में जाओगे ना तो 10th क्लास में आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और भी तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अभी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लो, बाकी दोनों फैक्टर निकल जाएंगे। आई गेस कि इसका जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा वो आपका कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22x 120 है ना, मैंने ये बता दिया अभी आपको, आपने देख लेना ना, पहले अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करना, 120 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी 120, और 120 का आप बनाओगे आ गया माइनस का 10x माइनस का 12x। देखो मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ढूंढ लेता हूँ, आपने भी बस x कॉमन ले लेंगे, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते ना आपको भी तुरंत पकड़ में आने लग जाएगा, नहीं तो मैंने मैथड बताया ही आपको है ना, पूरा मेथड आपने एक्सप्लेन किया, चिंता मत करना मैं हर जो आपको मेथड बता रहा हूँ उन सब मेथड की छोटी छोटी क्लिप भी मैं आपको बाद में एडिट करके डाल दूँ, तो देट कि आपको पर्टिकुलर कोई मेथड ही समझना है तो मेथड भी आप समझोगे, ठीक है। दिस इज एक्स माइनस 10 सॉरी एक्स माइनस 12 आ गया, लो भाई बाकी दोनों मिल गया एक्स माइनस 10 और हमारा एक्स माइनस 12। आई होप कि आपका क्लियर हो गया, बताओ भाई क्लियर हो गया, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन 100% आया, क्वाड्रेटिक भी आएगा और क्यूबिक भी आएगा।